Does Turnitin detect plagiarism? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर इंस्ट्रक्टर के जहन में होता है। टर्निटिन बेसिकली टेक्स्ट मैचिंग टूल के तौर पर सारी दुनिया में यूज़ हो रहा होता है, और इस टेक्स्ट मैचिंग टूल को एज अ लर्निंग टूल, एज अ टूल फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स दुनिया भर में यूज़ किया जाता है, और प्रिवेंशन के लिए इसमें जो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट में सिमिलरिटी इंडेक्स आता है, उस सिमिलरिटी इंडेक्स को एनालाइज करके स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि किस तरह अपनी जो साइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, जो प्रॉपर एथिक्स के मुताबिक प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरिटी इंडेक्स से प्लेजरिज्म डिटरमाइन तब होता है जब उस सिमिलरिटी के सोर्स को जाके एक्सप्लोर करके कंक्लूड करता है इंस्ट्रक्टर के जी ये सोर्स जो है आपने साइट नहीं किया हुआ, और इस सोर्स को साइट ना करने की वजह से ये प्लेजरिज्म में आता है। और वो जाहिर है कोई सिग्निफिकेंट चीज़ या सिग्निफिकेंट कंटेंट होगा, कोई पैराग्राफ होगा, कोई कंटिन्यूस थ्री सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस होंगे, तो ये टूल जो है इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि ये सिमिलरिटी इंडेक्स जनरेट करता है जिसको इंस्ट्रक्टर ने एक तरह से प्रॉपर एनालाइज करने के बाद कंक्लूड करना है कि प्लेजरिज्म है या नहीं है।